मधुपुर नगर परिषद के कार्यशैली के खिलाफ तकरीबन 250 से 300 टोटो चालकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अथलचप्टी रोड स्थित आम मगान परिसर में टोटो चालकों ने एक बैठक बुलाकर अपनी समस्याओं को नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष सह देवघर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष फैयाज कैसर के सामने रखा। इस अवसर पर भाजपा नेता पप्पू यादव, जेएमएम नेता मोहम्मद शाहिद और फेकू समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। ई रिक्शा चालकों का कहना था कि एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिलने पर बैंक से या फिर फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर टोटो खरीद कर चलाया जा रहा है, जबकि कई ऐसे टोटो चालक हैं जो अपने मालिक से दैनिक भाड़ा देने के एवज में टोटो लेकर चला रहे हैं। ऐसे में इन टोटो चालकों को बैंक, फाइनेंस और मालिकों को पैसे चुकता करना पड़ता है। टोटो चालकों ने कहा कि कर्ज तोड़ने और परिवार का भरण पोषण करने में ही हालात खराब हो जाता है। बावजूद नगर परिषद मनमानी तरीके से हम टोटो चालकों से 10 रुपए टैक्स के रूप में जबरन ले रही है, जबकि पॉल्यूशन मुक्त ई रिक्शा में सरकार की ओर से विशेष छूट प्रदान की गई है। टैक्स वसूली के खिलाफ टोटो चालकों ने बड़ा आंदोलन करने का आह्वान भी किया है। ऐसा चलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट है। अगर सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा और नगर पालिका इस तरह के हरकत करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर फैयाज कैसर ने टोटो चालकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि इसको लेकर एसडीओ एवं संबंधित पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी। फैयाज कैसर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन से इस संबंध में बातचीत की गई है, जल्द ही इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा। फैयाज कैसर ने नगर परिषद के कार्यशैली को धांधली बताया है। नहीं चलेगी नगर परिषद की मनमानी, नहीं चलेगी। 10 रुपया टैक्स जो लगाया गया वापस लेना होगा। आज मधुपुर के तमाम ऑटो यानी ई रिक्शा वाले ने मीटिंग रखा था अथलचप्टी के आम बागान में, और उन लोगों का मुख्य विरोध करना था नगर परिषद का कि नगर परिषद के द्वारा जो प्रतिदिन के हिसाब से 10 रुपये ऑटो रिक्शा वाला पे जबरदस्ती लागू किया गया है, यानी महीना 300 रुपया वो लोग देने में सक्षम नहीं है। इसी के आलोक में उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आज आम बगान पथचट्टी में एक मीटिंग रख रहे हैं और आप लोगों को आना जरूरी है और समस्या का निदान करना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने वहां गए और सारे लोगों का समस्या ई रिक्शा वाले लोगों का सुना, और समस्या सुनने के बाद हम लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं, ये बात तो सही है, चूँकि ऑल इंडिया में कहीं भी इस तरह का कोई टैक्स ई रिक्शा वाले पर नहीं लगता है और नहीं लग रहा है, इसलिए ये नगर परिषद के बोर्ड के द्वारा ये धांधली है। और खासकर वहाँ पे जो भी अभी वाइस चेयरमैन है या वार्ड कमिश्नर है, इसकी हठधर्मी है, नाजायज है। जिस पब्लिक का वो वोट लेते हैं वो उसी पब्लिक को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आश्वासन दिया है कि मैं इस संबंध में मधुपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश यादव जी से बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने दूरभाष पर माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब से भी बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने कहा है कि चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो भाड़ा में ऑटो चला रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक से फाइनेंस कराया है, अगर 6-7 हज़ार कमाते भी हैं तो 3 हज़ार रुपया उसका जो मालिक होता है ऑटो का वो ले लेता है या बैंक में देना पड़ता है। अब हर परिवार में 4-5 लोग हैं, इस महंगाई में आप समझ सकते हैं कि ऑटो रिक्शा भाई का क्या हालत है, काफ़ी परेशानी है। तब जाकर लोग आक्रोश में आकर और आज लगभग मधुपुर शहर में से सारे लोग ऑटो रिक्शा वाले 250 से 300 लोग वहाँ जुटे और एकमुश्त होकर उन्होंने कहा कि हम लोग विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पे हम लोग ये देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं आश्वासन दिया हूँ कि मैं अपने स्तर से एसडीओ साहब से बात करके माननीय मंत्री जी से समस्या का निदान करने का कोशिश करूँगा।